नमस्कार किसान भाई, राम कैलाश यादव हमारे प्रताप का ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, आप देख पाएंगे 25 अप्रैल को बुआई किया गया था और इसकी जो है सिंचाई कर दिया गया है। यहां पर नाला भी कह सकते हैं, वहां सींचने की सुविधा है, नदी जिसे बोलते हैं छोटी वाली। और इसमें कई समस्या भी आपको देखने को मिलेगा कि पौध जो है जगह जगह पर सूख गए हैं। आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, जगह जगह पर सूख गया है जो कि आप देख पाएंगे। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्यों सूख गया है और कितने दिन पर सिंचाई इसका किया गया है, ये भी आप लोगों को हम बताने वाला हूँ। कितने लोग कहते हैं कि बुआई हम किस महीने से करें और इसकी लास्ट बुआई कब किया जाता है, तो यही जो है कन्फ्यूजन रहता है। तो ये मान लो सबसे पछेती बुआई हम इसे कह सकते हैं और इसका अपडेट जानना बहुत ज़रूरी भी है। जो किसान अगर लास्ट में बुआई करना चाहता है, अंतिम बुआई करना चाहता है, तो उनके लिए भी एक अच्छा जानकारी रहेगा कि कितना तोड़ान तोड़ा है, कितना नहीं। इसका अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। और अगर हम किसान भाई बात करते हैं इसके सिंचाई की, तो दोस्तों अगर हम सिंचाई की बात करते हैं, इसकी सिंचाई जो है कब किया गया था, यानी कितना बुआई के कितना दिन बाद पहले सिंचाई किया गया था, तो यहाँ पर किसान भाई आपको हम सबसे अहम बातें बताना चाहूँगा। जो भी यहाँ पर है, जो नदी है छोटी वाली, यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो किसान अधिकतर क्या है, सुविधा देखता है। अगर पानी आ जाता है तो थोड़ा सिंचाई कर देते हैं, नहीं तो इसका 20 से 25 दिन बाद सिंचाई किया जाता है। लेकिन ये लगभग हमको लगता है कि 16 या 18 दिन के अंदर अंदर इसकी जो है पहली सिंचाई कर दिया गया है। अब बात आती है किसान भाई, यहाँ पर देखने को जो मिल रहा है कि जो सूख गए हैं, देखिए काफ़ी जो है पौध सूख गए हैं, यहाँ पर देख लीजिए, और बाकी ठीक ठाक हैं पौधे, और काफ़ी मात्रा में जो है पौधे यहाँ पर सूखे नज़र आएंगे आपको। देखिए ये जो है, जो मूंग है उसका पौध सूखा है। तो ये सूखने का मेन रीज़न यही है किसान भाई कि जो पानी यहाँ पर भर दिया गया था, यानी एक बार की पानी खोल दिया नहर का, और पानी ज़्यादा भराव होने के कारण जगह जहाँ पर खाल है वहाँ पर पानी भरा गया, जिसके कारण जो है धूप हुआ। जब पानी भर जाता है जहाँ पर, तो इसकी सिंचाई थोड़ा हल्की की जाती है। इस तरह की सिंचाई किया जाता है कि हमारा जो मूँग है, उस मूंग के खेत में ज़्यादा पानी न भरे। अगर ज़्यादा पानी भर जाता है तो यही होता है कि धूप होगा तो पानी गर्म हो जाएगा। पानी गर्म होने के कारण जहाँ पर पानी भराव लेगा वहाँ पर जो है ये ऑटोमेटिक जो है सूखने लगेगा, और ऑटोमेटिक वहाँ पर पौधे जो हैं ख़राब हो जाएंगे। तो ये सबसे अहम यही जानकारी है कि आप जब भी इसकी सिंचाई करें तो हल्की सिंचाई करें, इतना पानी ना भर दें कि इसमें भरा रह जाए 2 दिन 3 दिन, तो जिससे कि आपको दिक्कत समस्या देखने को मिल सकती है कि पौधे सूख जाएंगे। तो किसान भाई हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक किसान भाइयों वीडियो वॉच करने के लिए।